झरोखा चैनल में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम सूरदास की झोपड़ी जो अंतराल पुस्तक की एक कहानी है और जो प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का असल में एक अंश लिया गया है उसके आज यहाँ प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, नायक राम के इस कथन में निहित भाव यह है कि सूरदास के घर के जल जाने से उसके शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही होगी। भैरव ने सूरदास के झोपड़े में आग लगाई थी और वो इससे खुश हो रहा होगा। प्रश्न दूसरा, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? उत्तर है, भैरव अपनी पत्नी सुभागी की अक्सर ही पिटाई किया करता था। एक दिन पिटाई से बचने की खातिर सुभागी भागकर सूरदास की झोपड़ी में जा छिपती है। भैरव से मारने के लिए झोपड़ी में घुसता है पर सूरदास एक स्त्री पर अत्याचार होने नहीं देता, वह सुभागी की रक्षा करता है। इस कारण भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जिस घर में उसकी पत्नी सुहागी ने शरण ली थी उसे भैरव जला देना चाहता था। अवसर पाकर उसने झोपड़ी में आग लगा दी। प्रश्न तीसरा, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक का यह निष्कर्ष तब सामने आता है जब सूरदास जैसे भले आदमी की झोपड़ी को भैरव से जैसे दुष्ट व्यक्ति ने बदले की भावना से जला दिया था। सूरदास नेत्रहीन था इसलिए उसे सूरदास कहा जाता था। उसके पास रहने के लिए फूस की एक झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी जिस पर गांव के तमाम जानवर चरा करते थे। सूरदास ने इसीलिए उस जमीन को छोड़ रखा था कि जानवर वहां घास फूस खाया करें। किसी तरह पेट काट कर जमा की गई 500 रुपयों की पूंजी भी उसके पास थी। उसकी जानकारी के अनुसार रुपए भी जल गए थे। इस धन से वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करना चाहता था, अपने पितरों का पिंड दान भी इसी से करना चाहता था। पूंजी के जल जाने से उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसे लगता है कि यह फूस की राख नहीं बल्कि उसकी अभिलाषाओं की ही राख है। अब प्रश्न चौथा, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों? उत्तर है, जगधर भैरों का दोस्त था। उसे भैरों से ही पता चलता है कि भैरों ने ही सूरदास के घर में आग लगाई थी। इसे वहां से 500 रुपए भी मिले हैं तो वह इस सूचना से अंदर ही अंदर जल उठता है। उसे लगता है कि इतने रुपयों से तो भैरों की जिंदगी ही बदल जाएगी, उसकी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। इस तरह उसे अपने ही दोस्त भैरों के प्रति ईर्ष्या भाव जाग जाता है। और अब प्रश्न पांचवा, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता है? उत्तर है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को इसलिए गुप्त रखना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए आश्चर्य वाली बात होगी, लोग तरह तरह के संदेह करेंगे। जगधर को पता था कि उसके पास 500 रुपए थे जिन्हें भैरों ने हथिया लिया है। जगधर के रुपयों के बारे में पूछने पर सूरदास हकपका गया, वह बात को टाल गया। तब जगधर ने बताया कि वह रुपया भैरव ले गया है। सूरदास ने उन रुपयों को अपना नहीं माना। उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास तो रुपए थे ही नहीं, तो भैरव कहां से ले जाएगा?
सूरदास लोगों की प्रवृत्तियों को जानता था। वह नहीं चाहता था कि उसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें बनाई जाएं, उसकी बदनामी हो, लोग शंका करें। और अब है प्रश्न छठवां। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राग के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सूरदास अपनी झोपड़ी जलने और रुपयों के गायब होने से बहुत दुखी था। वह अपने को हारा हुआ मान बैठा था। तभी उसके कान में बच्चों की बातें पड़ी। घीसू मिठुआ से कह रहा था कि अरे तुम खेल में रोते हो, खेल में रोना नहीं चाहिए। सूरदास पर इस कथन का बड़ा सकारात्मक असर हुआ। उसे लगा जीवन भी एक खेल है, उसमें हार जीत तो लगी ही रहती है, इसके लिए निराश होना ठीक नहीं। तब उसके मन में आशा का एक नया संचार पैदा हुआ। वह उठ खड़ा हुआ और राग के ढेर को अपने हाथों में उठा उठा कर उड़ाने लगा। उसके मन में शून्य से पुनः जीवन शुरू करने की भावना जाग गई। और अब प्रश्न सातवां। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। उत्तर है कि इस कथन के संदर्भ में सूरदास के जो चरित्र है उसका विवेचन इस तरह किया जा सकता है। पहला, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। सूरदास एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, इसलिए वह घर जल जाने पर भी हार कर नहीं बैठ जाता। उसे बनाने के लिए नए काम के उत्साह से जुट जाता है। दूसरा, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति। वह एक दृढ़ निश्चय करने वाला व्यक्ति भी है। एक बार नया घर बनाने का निर्णय करने के बाद फिर वह उससे पीछे नहीं हटता। तीसरा, हार न मानने वाला व्यक्ति। घर और रुपए के जल जाने से वह दुखी तो हुआ, परंतु बच्चों की बातों ने उसे प्रेरणा दी और वह दोबारा उठकर काम में लग गया, फिर से खड़ा हो गया। चौथा है, परिश्रमी व्यक्ति। सूरदास भिखारी है, नेत्रहीन है, लेकिन भाग्यवादी नहीं है। वह आत्मविश्वासी है और परिश्रम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पांचवा है, आत्मिक शक्ति से पूर्ण व्यक्ति। सूरदास आत्मिक शक्ति से एक परिपूर्ण व्यक्ति है। वह मुसीबतों का सामना करना जानता है। दुख ने उसे सदमा तो पहुंचाया, परंतु उसकी आत्मिक शक्ति ने उसे पराजित नहीं होने दिया। तो यह था प्रेमचंद जी के उपन्यास अंश सूरदास की झोंपड़ी के प्रश्नोत्तरों वाला एपिसोड। कृपया से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।